राधे राधे। मैं अंजू, आज मैं जो बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ उसको हमारे भाई बहन गांव या शहर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, उसको आप देख ले, फिर मैं बताती हूँ कि आज का बिजनेस आइडिया क्या है। तो मैं अपने सारे नए व्यूअर से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए, जिससे जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उनकी जानकारी मिलती रहे। ये हमारा सिलकर आ गया है, इसको कहते हैं पिलोम। और 1 मीटर कपड़ा आप मार्केट से खरीदेंगे तो 1 मीटर कपड़े में हमारे कम से कम 2 से 2.5 पिलो आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। इस टाइप के ये कपड़े होते हैं और इसको इस साइड से इस तरह से मोड़ दिया जाता है। इस तरह से मोड़ने के बाद सिर्फ इसमें 2 जगह सिलाई लगाई जाती है, एक इस साइड और इस साइड। ये साइड ऑलरेडी पहले से सिला हुआ होता है, तो ये जो एक साइड बचती है ऊपर का ये खोला जाता है, इसको सिला नहीं जाता। अब इसे खुले हुए मुंह में हमें भरना है पॉलिस्टर फाइबर, ये इस टाइप का होता है, इसको पॉलिस्टर फाइबर बोलते हैं। ये मार्केट में 50 से 150 रुपए केजी तक मिल जाता है और ये वही पॉलिस्टर फाइबर होता है जो सॉफ्ट टॉय और टेडी बियर इन सभी में जो यूज किया जाता है ये वही पॉलिस्टर फाइबर होता है। अब इस पिलो को वेट करके देखते हैं कि इसका कितना वेट आता है। इसका वेट लगभग 75 ग्राम। अब मैं इस पिलो में इस पॉलिस्टर फाइबर को भरना शुरू करती हूँ और इसको भरने से पहले इसको इस तरह से हाथों से धुनक दिया जाता है इस तरह से, क्योंकि इसको इसलिए इस तरह से इसलिए किया जाता है क्योंकि पिलो में जाकर इसकी गठान ना बने, और ऐसे करने से ये पिलो काफ़ी फूला फूला सा रहेगा। और आपको जैसे ज़्यादा पिलो भरने हैं तो आप चाहें तो जो रजाई गद्दे वाले भरने वाले होते हैं, जो रुई भरते हैं, उनसे भी आप इसको धुनकवा सकते हैं। और अदर सीजन में उनकी तो मशीनें खाली पड़ी रहती हैं तो उनसे भी आप किराए से ले सकते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आप दिन भर में आराम से इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको भर के दिखाती हूँ आपको। इसमें अब हमारी पॉलिस्टर फाइबर भर चुकी है और भरने के बाद मशीन से इस पे सिलाई कर दें। और सिलाई करने का अब मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें पॉलिस्टर फाइबर कितनी भरी गई है। इसमें पॉलिस्टर फाइबर हमारी 300 ग्राम के आसपास भरी गई है और 77 ग्राम तो इसके कपड़े का ही वेट था। तो जो भी आपका रेट आया हो मार्केट से पॉलिस्टर फाइबर का, जो भी आपका रेट हो, तो उसमें आप 300 ग्राम पॉलिस्टर फाइबर का रेट निकालें और कपड़े की कॉस्ट निकाल के फिर आपकी जो एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो आपकी निकल आएगी। एक स्टैंडर्ड साइज जो मैंने लिया है वो है 24 25 है और थोड़ा सा इसमें सिलाई में गया है, तो 25x15 ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। और इसमें 300 ग्राम के आसपास रुई भरी गई है और आप चाहें तो इसमें पॉलिस्टर फाइबर भरने से पहले आप इस पर अपने ब्रांड का नाम भी छपवा सकते हैं। और इस टाइप का ये टैग होता है जो शर्ट और कपड़े आदि में लगाए जाते हैं, इस टाइप के टैग भी आप लगाकर अपने छपा सकते हैं। और इसको पिलो को पैक करने वाली जो पॉलीथिन होती है उस पर भी आप अपने ब्रांड का नाम छपवा लें, जैसे रेक्रॉन आदि में जो पन्नी छपाई जाती है उस टाइप से आप पन्नी छपवा लें और फिर इसको पैक कर दें। आप पिलो बनाने में कई सेगमेंट मेंटेन कर सकते हैं,
इसमें सस्ता पॉलिस्टर फाइबर और सस्ता कपड़ा लगाकर आप थोड़ा कम रेट में भी सेल कर सकते हैं, और इसी में थोड़ा महंगा पॉलिस्टर फाइबर और महंगा कपड़ा लगाकर आप इसको अच्छे रेट पर भी बेच सकते हैं। और जो पॉलिस्टर फाइबर है ये आपको जो नॉवल्टी वाले होते हैं, जो टेडी बियर और जो फर वगैरह जो बेचते हो, फर का सामान बेचते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा। और वो लोग भी बेचते हैं तो उनसे भी आप पॉलिस्टर फाइबर ले सकते हैं। और जो अभी जो रजाई गद्दे वाले हैं, जो रजाई गद्दे भरते हैं, तो उनसे भी आप पता करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको बल्क में पॉलिस्टर फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो उनसे आप एड्रेस ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। अब इस पिलो को आप चाहे रेडीमेड गारमेंट हो या जो कपड़ा बेचने वाले हो, उन सभी पर आप इनको बेच सकते हैं। या जो वो रजाई वो गद्दे वाले हैं, जो फोम के गद्दे बेचते हैं, जूट के गद्दे बेचते हैं, उन लोगों को भी आप बेचेंगे तो वहां पर भी आपकी अच्छी सेल होगी। और जो बेडशीट वाले हैं वो लोग भी पिलो रखते हैं, तो आप उनको भी सेल कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और वीडियोस के लिए। बाय बाय। मेक इन इंडिया। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो एक बार कभी नहीं है।